हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, जिसकी मदद से हम सीखेंगे कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकाली जाती है। और फिर देखेंगे स्ट्रेट वायर में, फिर एक सर्कुलर लूप में, और उसके बाद देखेंगे सोलेनोइड में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल रूल को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, जो मैक्सवेल अंकल थे उन्होंने क्यों इसे रूल को प्रपोज किया दुनिया के सामने। तो इसका सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंस है कि हम इसकी मदद से जो करंट कैरिंग वायर होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, स्ट्रेट हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगल हो या सोलेनोइड हो, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, रूल क्या है वो समझ लीजिए। सपोज कीजिए ये करंट कैरिंग वायर है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर की तरफ। करंट कैरिंग वायर में जो करंट की डायरेक्शन वो नीचे से ऊपर है। अब हमें क्या करना है कि जो करंट की डायरेक्शन है उसमें हमें अपना थंब रखना है, इस तरीके से कुछ थंब रखना है, और फिर अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है इस तरीके से, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे देखिए, ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, उसमें एक आई करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है, तो हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे कुछ इस तरीके से, और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हमें कुछ ऐसी डायरेक्शन देखने को मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। ये जो बाहर वाला सर्कल है वो प्लेन के बाहर है, और ये अंदर वाला जो डॉटेड लाइन से मैंने सर्कल किया है वो प्लेन के अंदर है। जैसे इस तरीके से हम निकालें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अपना थंब रखना है, और फिर फिंगर्स को कर्ल करना है, तो कुछ इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टली निकालें हम, जैसे ये हॉरिजॉन्टल वायर है, ये वर्टिकल में था, ये हॉरिजॉन्टल है। अब इस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, और करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, यहां से यहां। तो हमें अब करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन निकालना है, तो हम क्या कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे इस पर। कैसे, कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है उस डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो मेरी जो फिंगर है वो कुछ इस तरीके से कर्ल होंगी इस तरीके से, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी वो तो कुछ इस तरीके से मिलेगी, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन मिलेगी, ऐसे 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 जाती हुई। ठीक है, और अगर हम सर्कल देखें तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन मिलेगी हमें, कुछ इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं। अच्छा, जितना दूर, एक ही लाइन नहीं है, मैंने एक ही लाइन बनाई थी, एक ही सर्कल नहीं है, और भी सर्कल हो सकते हैं। जितना दूर सर्कल बनेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है, उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। इसको बोलते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है पहले छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल, जिसकी रेडियस डिफरेंट। तो जैसे इसकी रेडियस निकाले, इसको आर डैश मान लेते हैं, फिर इसकी रेडियस इससे ज्यादा है, इसको आर डबल डैश मान लेते हैं, इसकी रेडियस इससे ज्यादा है,
इसको आर ट्रिपल डैश मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस सेम नहीं है ना, डिफरेंट है, तो इस चीज को बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो ये था स्ट्रेट वायर में, स्ट्रेट वायर में। स्ट्रेट वायर में, ठीक है। अब हमें देखना है कि लूप सर्कुलर लूप में अब हम करंट की डायरेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लूप क्या होता है, लूप हम किसे कहते हैं। लूप का मतलब सिर्फ सर्कल नहीं होता, लूप का मतलब होता है जितने भी क्लोज्ड कर्व है, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या फिर सर्कल हो, ये सब क्या कहलाते हैं, लूप कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक सर्कुलर लूप ले रहा हूं, ये हमारा एक कार्डबोर्ड है, इसमें दो होल है इस तरीके से कुछ, और इसमें ऐसे वायर, इस तरीके से वायर निकला हुआ है और करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। कुछ इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। तो अब हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हम अपना राइट हैंड का थंब रखेंगे और फिर फिंगर्स को कर्ल करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, इस तरीके से। यहां पर देखें ऐसे, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी ऐसे। यहां पर देखें इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, सॉरी इस तरीके से ऐसे इस तरफ जाती हुई, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से इस डायरेक्शन में ऐसे देखें हम, कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में इस तरीके से। अब अगर हम इसके सेंटर में देखें बिल्कुल, तो हमें कुछ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर हम एक सर्कुलर लूप ले तो हमें बीच में किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है, तो हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन टाइप की मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर लूप ले लूं, ठीक है, रेक्टेंगुलर, और इससे मैं यहां पे बैटरी कनेक्ट कर दूं, बैटरी ये मैंने कनेक्ट कर दी, तो करंट कुछ इस तरीके से इसमें फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, ठीक है, तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा। अब हम यहां पर हर एक वायर में हम करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। तो इसमें देखें, तो यहां पे मैं राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल मैंने अप्लाई किया, फिंगर्स को कर्ल किया, तो कुछ इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिली, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम इस वायर के लिए करें,
तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी ऐसे, ठीक है। अगर हम इस वायर के लिए करें ऐसे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ अंदर की तरफ आ रही है, सर्कुलर लूप के अंदर की तरफ आ रही है। अगर हम इसमें सेंटर की तरफ देखें यहां पर, तो अंदर की तरफ आ रही है। अब हमने चार टाइप की डायरेक्शन पढ़ी थी जब मैंने मैग्नेट के बारे में आपको बताया था, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो हमें दो डायरेक्शन पता होनी चाहिए, और वो डायरेक्शन होती है आउटवर्ड और इनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड। जब मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था तो उसमें प्रॉपर्टी में बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आउटसाइड द मैग्नेट, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। तो ऐसे यहां पर मैंने आउटसाइड और इनसाइड बोला था, यहां पर मैंने वर्ड यूज किया आउटवर्ड और इनवर्ड। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप में, रेक्टेंगुलर लूप में, वो किस तरफ, अंदर की तरफ जा रही है। तो क्या ये डायरेक्शन इनवर्ड नहीं हो गई, इनवर्ड डायरेक्शन नहीं हो गई, अंदर की तरफ जा रही है ना। देखिए यहां से, यहां से अगर हम देखें तो इस तरफ जा रही है अंदर की तरफ, यहां से भी देखें तो इस तरफ जा रही है, यहां से अगर देखें, अगर हम इस पॉइंट पर निकालें तो इस पॉइंट पर, क्योंकि आपको जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, ट्वेल्थ में आपको पढ़ने मिलेगा, तो उसमें हर एक पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो हम यहां पर इस पॉइंट पर एज्यूम कर रहे हैं बिल्कुल सेंटर में, इस अगर पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो हमें कुछ इनवर्ड डायरेक्शन मिलेगी, अंदर की तरफ जाती हुई फील्ड मिलेगी हमें, ठीक है। तो इसको इनवर्ड डायरेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बोला था कि मैग्नेट, अगर हम इसको एक मैग्नेट की तरह देखें तो मैग्नेट की, मैग्नेट में क्या होता है, इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। तो क्या मैं इसको साउथ पोल नहीं बोल सकता, इसको मैं साउथ पोल नहीं बोल सकता। अगर ये एक मैग्नेट है और इनवर्ड फील्ड जा रही है अंदर, तो ये क्या होगा, एक टाइप की साउथ पोल हो गया इसका, और बाहर जो होगा वो क्या होगा, बाहर जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, अंदर क्या है, साउथ पोल। अगर हम इसको मैग्नेट को एज्यूम करें तो अगर जब फील्ड अंदर आती है, फील्ड लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आती है, तो किस अंदर कैसे जाती है, साउथ टू नॉर्थ फ्लो होती है। तो ये क्या हो गया, एक साउथ पोल हो गया। अच्छा, साउथ पोल हमें कब मिला, जब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा था। अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, इस बैटरी को उठाकर मैं ऐसे लगा दूं, तो क्या होगा वो देखते हैं। अब मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा सा ही बनाऊंगा, ठीक है। यहां पर मैंने बैटरी कनेक्ट कर ली इस तरीके से, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और एक ये नेगेटिव टर्मिनल। तो जो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, करंट इस तरीके से, करंट जो इसमें रेक्टेंगुलर लूप में फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। अब हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करें तो किस तरीके से जाएगी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये राइट हैंड थंब रूल है अपना, ये मेरा थंब है करंट की डायरेक्शन में, और मैंने फिंगर्स को कर्ल किया, तो ये क्या आउटसाइड द सर्कुलर लूप नहीं है, आउटसाइड द सर्कुलर लूप नहीं है। तो हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगी ना, इस तरीके से बाहर जाती हुई। इसमें देखिए हमारी जो फिंगर्स कर्ल हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में देखें, अगर हम इस डायरेक्शन में,
तो हमारी जो फिंगर्स है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो इसको क्या मैं नॉर्थ पोल नहीं बोल सकता, इसको मैं नॉर्थ पोल नहीं बोल सकता। तो हमने क्या देखा, हमें क्या कंक्लूड हुआ यहां से कि जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है, जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है तो जो लूप के अंदर अगर हम एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल कर देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें क्या मिलता है, कौन सा पोल मिलता है, साउथ पोल मिलता है, साउथ पोल मिलता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है करंट इस तरीके से, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें, एंटी क्लॉकवाइज देखें तो मैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोल मिलता है वो किस तरीके का मिलता है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। ये जो मैंने आपको चीज बताई है आपके लिए टेंथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको हायर क्लासेस में इस तरीके से डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा चीज बता दी। वैसे आपको अभी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज जितनी लो उतनी कम है, तो मैंने आपको ये चीज बता दी, ठीक है। अब हम देखेंगे सर्कुलर लूप की बात हो गई, अब हम देखेंगे सोलेनोइड में, सोलेनोइड में देखेंगे हम, कि सोलेनोइड में करंट किस तरीके से फ्लो होता है। सोलेनोइड, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सोलेनोइड एक्चुअली में होता क्या है। सोलेनोइड होता है कि अगर हम एक वायर को, एक वायर को किसी भी मीडियम पर लपेट दें, उस मीडियम को बोलेंगे हम कोर। जैसे मीडियम में यहां पर ले लूं सॉफ्ट आयरन, एक सॉफ्ट आयरन का मैंने टुकड़ा ले लिया यहां पर, सॉफ्ट आयरन का यहां पर मैंने टुकड़ा ले लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस तरीके से एक वायर को इस पर लपेट दिया, तो ये क्या बन गया, एक टाइप का सोलेनोइड बन गया। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मैंने लगा दिए, तो ये क्या बन गया, एक टाइप का सोलेनोइड बन गया, ठीक है। अगर हम इस सोलेनोइड में जो को, इसको जो सॉफ्ट आयरन है इसको क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। अगर मैं इस सॉफ्ट आयरन में कोर एज अ सॉफ्ट आयरन यूज कर रहा हूं, इस सोलेनोइड में अगर मैं कोर एज अ सॉफ्ट आयरन यूज कर रहा हूं, तो ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होगा, ये क्या होगा, एक टाइप का टेम्परेरी मैग्नेट होगा, टेम्परेरी मैग्नेट मींस जब तक इसमें करंट फ्लो होती रहेगी तब तक तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही अगर हम इसमें करंट फ्लो करना बंद कर दें तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसमें सॉफ्ट आयरन की जगह कोबाल्ट यूज कर रहे हैं, कोबाल्ट यूज कर रहे हैं, या फिर कोबाल्ट और निकेल भी यूज कर सकते हैं, या कोई और मीडियम यूज कर रहे हैं ईटीसी, तब ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है, तब ये क्या करता है, परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है। और सॉफ्ट आयरन की तरह अगर हम इसमें मीडियम जो है सॉफ्ट आयरन यूज कर रहे हैं, तब ये टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करता है, टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करता है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक बार मैग्नेट में, एक बार मैग्नेट में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो हम क्या पाते हैं कि आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट जो करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है,
आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होती है और इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन जो होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। अब अगर मैं इसको सोलेनोइड को एक मैग्नेट की तरह एज्यूम करूं, तो एक मैग्नेट की तरह एज्यूम करने पर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर हम इस करंट की जो डायरेक्शन है वो देखें तो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, ऐसे फिर ऐसे, पहले ऐसे आएगा फिर ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, और ऐसे निकल जाएगा ऐसे होते हुए, ठीक है। तो अगर हम इसका ये वाला जो टर्न है वो अगर यहां पर बना लें थोड़ा सा, और अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें तो ये करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है तो कौन सा पोल होता है? साउथ पोल। जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है तब कौन सा पोल होता है? साउथ पोल। तो क्या मैं इसको यहां पर मैग्नेट की तरह एज्यूम कर रहा हूं तो इसको मैं साउथ पोल नहीं बोल सकता? इसको मैं साउथ पोल बोल सकता हूं। अब बार मैग्नेट में जो आउटसाइड द मैग्नेट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बार मैग्नेट है, ये कोई बार मैग्नेट है, अब इसका ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड जो होती है, फील्ड लाइन जो होती है, वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ से अंदर जाती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ से अंदर जाती है। इस तरफ में अगर आपके साइड कर दूं तो ये इसका साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, तो किस तरीके से जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे आएगी और इस तरीके से अंदर घुसेगी, ऐसे आएगी इस तरीके से अंदर घुसेगी। तो जब ये साउथ पोल है इसमें मैग्नेटिक करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, तो क्या मैं इसको नॉर्थ पोल नहीं बोल सकता? जब ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल नहीं होगा क्या? ये डेफिनेटली नॉर्थ पोल होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो साउथ से अंदर जाएगी और नॉर्थ से बाहर आएगी, साउथ से अंदर जाएगी और नॉर्थ से बाहर आएगी। तो ये था सोलेनोइड का कॉन्सेप्ट। सोलेनोइड ये कुछ नहीं होता, आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक आपके पास कील हो और कील के ऊपर आप एक कॉपर का वायर लपेट दें तो वो एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करेगा, क्योंकि कील क्या होती है, एक सॉफ्ट आयरन। तो आप अगर उसको कॉपर के वायर को लपेट दें और उसके दोनों एंड को आप एक बैटरी इन्वर्टर वाली बैटरी कनेक्ट मत कर देना, नहीं तो आप टेस्ट करने लायक ही नहीं बचोगे। आपको क्या करना है, एक सेल जो होता है, सेल वाली बैटरी जो होती है उसको आप कनेक्ट करिए छोटी वाली को, तो आप और फिर उस छोटे छोटे जो आयरन के टुकड़े होते हैं तो आप उसके पास ले जाइए। अगर आप पास ले जाओगे तो आप पाओगे कि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं जब तक उसमें करंट फ्लो होता रहेगा तब तक वो चुपके रहेंगे उससे, जैसे ही करंट फ्लो ना बंद हो जाएगा वो जो टुकड़े हैं लोहे के वो नीचे गिर जाएंगे। तो सॉफ्ट आयरन अगर हम रख दें एक किसी भी सोलेनोइड में एज अ कोर, तो कैसी यूज करती है वो, किस तरीके का बिहेवियर करती है? टेम्परेरी मैग्नेट का बिहेवियर करती है, ठीक है। अब हम इसमें एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में कि सोलेनोइड की एप्लीकेशन क्या हो सकती है। तो एक ही एप्लीकेशन है इसकी कि जैसे ये कोई सोलेनोइड है इस तरीके से, सोलेनोइड नहीं, सबसे पहले हम मीडियम बना लेते हैं इसका। जैसे मैं यहां पर सोलेनोइड के अंदर जो मीडियम यूज कर रहा हूं वो सॉफ्ट आयरन का मीडियम यूज कर रहा हूं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का मीडियम यूज कर रहा हूं, और यहां पर एक कॉइल है जो कि इस तरीके से लिपटे हुए है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम करंट कैरिंग सोलेनोइड में जो मीडियम यूज कर रहे हैं वो अगर सॉफ्ट आयरन है, ये जो मीडियम वो कैसा है? सॉफ्ट आयरन। अच्छा, इस मीडियम को या जो सोलेनोइड के बीच में जो होता है उसको हम कोर भी बोलते हैं, मतलब सेंटर। कोर का मतलब क्या होता है? सेंटर।
तो इसको हम कोर भी बोलते हैं। तो जो कोर है अगर वो सॉफ्ट आयरन है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि कैसा मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, या इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट भी बोलते हैं। ये कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है। मतलब जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लाइक पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम इस सॉफ्ट आयरन की जगह कोबाल्ट यूज करते हैं या निकेल यूज करते हैं या और भी मटेरियल हो सकते हैं ईटीसी, तो ये कैसे बिहेव करेगा, परमानेंट मैग्नेट की तरह। फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये था इसका एप्लीकेशन। अब लेक्चर को एंड करते हैं, अगले लेक्चर में अगला लेक्चर देखेंगे अब कि किस पे होता है बेस्ड, अभी आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।